Hello students, I'm Dr. Umakant Vyas and I welcome you all to our channel eSchool. Students, I'm going to teach you 5 words in 5 minutes. आज मैं आपको सिखाऊंगा 5 मिनट में 5 शब्द और ये हमारा 47th session है. तो चलिए शुरू करते हैं. First, देखिए आज के हमारे 5 शब्द हैं. Nugatory, Edify, Whittle, Fiasco and Aplomb. So let's begin with the first word, students. Nugatory. Nugatory होता है, ये एक adjective होता है, विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है तुच्छ या नगण्य. You can call it worthless, inconsequential, unimportant, something that keeps no value. That is nugatory. इसको sentence से समझते हैं. His comments were too nugatory to receive attention of all. उसकी जो टिप्पणियाँ थी वो इतनी अनइम्पोर्टेंट नगण्य थी कि वो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. दिस गैजेट कॉस्ट मी न्यूगेटरी अमाउंट. इस गैजेट का मुझे बहुत ही नाम मात्र की कीमत मुझे इसकी चुकानी पड़ी. सो समथिंग दैट इज नो कीपिंग नो वैल्यू, समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो हुआ न्यूगेटरी. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. एडिफाई. एडिफाई एक वर्ब है, ये क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है किसी को शिक्षा देना या उपदेश देना. टू टीच समबडी, टू एजुकेट समवन, है ना, टू एनलाइटन, टू इन्फॉर्म, स्पेशली कुछ मॉरल वैल्यूज उनको सिखाना है तो वो एडिफाई हुआ. एडिफाई को एग्जाम्पल से समझते हैं. ही ट्राई टू edify on the moral character of a citizen. उसने कोशिश की कि वह नागरिकों के moral values, नैतिक चरित्र क्या होता है वो सिखा पाए, इसकी उसने कोशिश की. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. This story tends to edify reader on how to lead a peaceful life. ये कहानी ये सिखाने का प्रयास करती है या ये उपदेश देने का प्रयास करती है रीडर को कि एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए. तो ये हुआ हमारा सेकंड वर्ड edify. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स. थर्ड वर्ड है whittle. Whittle एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है कम होना या घटना. स्टूडेंट्स इसके साथ कई बार away या फिर down का भी यूज होता है एज अ phrasal वर्ब. इसके synonyms हुए reduce और decrease, वो होता है whittle, कम करना, किसी की कीमत को, किसी की वैल्यू को कम करना whittle होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. वी मस्ट whittle आर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम. इस क्रिटिकल समय में हमें हमारे खर्चों को कम करना होगा. विल हैव टू रिड्यूस आर एक्सपेंसेस. तो रिड्यूस का सेंस देता है whittle. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. दे आर ट्राइंग टू whittle डाउन देयर enormous इन्वेस्टमेंट. वे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बहुत ही ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, उसको वो कम करें. सो whittle डाउन हो गया, डिक्रीज करना, कम करना हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट वर्ड इज fiasco. ये एक नाउन होते हैं, संज्ञा होती है fiasco, जिसका अर्थ होता है असफलता या नाकामयाबी. When something turns out to be failure, असफलता में बदल जाता है तो वो हुआ fiasco. तो इसके synonyms हुए failure, debacle and disaster. ये इसके synonyms हो गए, इनको आप note कर लीजिए. Now let's see this word in a sentence. She turned the whole program into a fiasco. उसने पूरे program को एक असफलता में, failure में बदल दिया. Next sentence देखते हैं. The whole meeting was a fiasco. पूरी सभा, पूरी meeting एक असफल हुई, fiasco हुई, as the members fought aggressively. क्योंकि meetings में members बहुत ही आक्रामक रूप से झगड़ा करने लगे. So the whole meeting was a fiasco. तो पूरी meeting एक असफल रूप में बदली. Now let's move to the last word students. And the last word is aplomb. Aplomb एक noun है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है आत्मविश्वास. इसको संयम भी बोलते हैं और संतुलन भी कहते हैं. इसके synonyms आप note कर लीजिए. The synonyms to this word are confidence, poise and composure.
Now let's see this word in these sentences. She handled the whole situation with aplomb. उसने पूरी स्थिति को सिचुएशन को बहुत ही संयम और आत्मविश्वास के साथ में aplomb हुआ आत्मविश्वास पूरी आत्मविश्वास के साथ में नियंत्रित किया. लास्ट सेंटेंस द PM delivered the speech with his usual aplomb. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को एक सामान्य अपनी यूजुअल संतुलन और संयम के साथ में अपना भाषण दिया. सो स्टूडेंट्स दीज आर आर 5 वर्ड्स एंड आई होप दैट यू आर कंटिन्यूअसली लर्निंग दीज 5 वर्ड्स नोटिंग डाउन दीज वर्ड्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली. आई अश्योर यू दैट दीज 5 वर्ड सीरीज दीज वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स एंड इफ यू आर ऑनेस्ट इफ यू आर सिंसियर विद दीज वीडियोज you are going to get success in your life. Thank you very much.